हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। और इसी जातीय समीकरण के औंधे मुंह गिर जाने से प्रदेश में महागठबंधन की हवा एक बार फिर बहने लगी है और इस हवा को महसूस करने के लिए विपक्ष आगे आता दिखाई दे रहा है, जिससे सवाल उठने लगा है कि क्या महागठबंधन के कोई आसार भी हैं। क्या फिर एक होगा चौटाला परिवार, क्या सर्वखाप की पहल लाएगी रंग, पुराने मतभेद भुलाकर फिर एक होंगे अभय अजय, जेजेपी इनेलो का साथ बदलेगा सियासी समीकरण, किस रास्ते पर चलेंगे भूपेंद्र हुड्डा, क्या कांग्रेस से अलग होगा हुड्डा का रास्ता, हरियाणा में होगा महागठबंधन, तो क्या चौटाला परिवार फिर एक होने जा रहा है। ये सवाल आज प्रदेश की राजनीति में एक दिशा में चल रहा है, जहां विपक्षी एकता का खाका नजर आने की क्या संभावना नजर आती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हरियाणा की राजनीति में बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्या चौटाला परिवार की एकजुटता में हरियाणा में महागठबंधन के समीकरण भी छुपे हैं? इस वक्त इस सवाल का जवाब हर कोई जानना और समझना चाहता है। चौटाला परिवार को एकजुट करने की खाप पंचायत प्रतिनिधियों की पहल पर सकारात्मक रूप दिखाकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ा दाव खेला है। अभय ने अब गेंद बड़े भाई अजय और भतीजे दुष्यंत चौटाला के पाले में डाल दी है। वहीं खाप पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से 3 सितंबर को अपना फरमान सुनाया जाना है। 50 से ज्यादा लोग थे जो सामाजिक तौर पे प्रदेश के लोगों की बात को करते हैं। उन्होंने मुझे उस वक्त आकर के इन सब बातों को मेरे सामने रखा था और मैंने उनको उसी दिन कहा कि मैं हमेशा समाज का सम्मान करता हूं, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। इस सब के बीच माना जा रहा है कि खाप पंचायत प्रतिनिधियों की पहल कामयाब हुई तो हरियाणा की राजनीति में विपक्ष के महागठबंधन के नए समीकरण भी बन सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए ये सब हो पाएगा, यानी क्या दुष्यंत अभय की बयानबाजी को भूलकर हाथ आगे बढ़ाएंगे। हालांकि खाप का मानना है कि चौटाला परिवार के एकजुट होने से भाजपा के सामने इनेलो जजपा बसपा के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली पार्टी का एक महागठबंधन बन सकता है। लेकिन क्या ये भी संभव है, क्योंकि हुड्डा महापरिवर्तन रैली पर कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाए थे, तो क्या वो अब आगे बढ़ पाएंगे। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल सियासी दुराहे पर खड़े हैं और अगली राह को लेकर स्थिति ज्यादा साफ नजर नहीं आती। सोनिया गांधी से मुलाकात और बागी तेवर दिखाने के बावजूद कांग्रेस हाईकमान द्वारा कोई तवज्जो नहीं दिए जाने से हताश हुड्डा अब कोई सम्मानजनक रास्ता तलाश रहे हैं। अब ऐसे में हुड्डा ने मंगलवार यानी 3 सितंबर को अपने समर्थकों की सदस्य कमेटी की नई दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसको अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी है। दरअसल हरियाणा में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस हाईकमान में पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है। बागी तेवर दिखाने और पार्टी छोड़ने के संकेत के बावजूद भी कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें अहमियत देनी कम कर दी है। हरियाणा कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर को हटाने के लिए हुड्डा और उनके विधायकों ने हाईकमान पर काफी समय से दबाव बनाया। हाईकमान के साथ कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन हुड्डा को इस मिशन में अब तक कामयाबी नहीं मिली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वर्तमान हालात ये संकेत दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे के दौरान भी हुड्डा की पसंद को खास तरजीह मिलनी बेहद मुश्किल है। तो क्या ऐसे में हुड्डा अपना अलग रास्ता बनाएंगे, और यदि बनाएंगे तो क्या महागठबंधन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक प्रयास है उनका, उन्हें मेरे को बताया वो चाहते हैं, मगर कई ऐसी बातें हैं जो शायद मैं अकेला इस पे निर्णय ना ले पाऊं, ये संगठन का निर्णय होगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से उनकी क्या बात हुई, क्योंकि वो हम इन 7 दिन के दौरों पर थे, आखिरी के 4 दिन तो मैं भी मेरे पिताजी से नहीं मिल पाया क्योंकि हमारा टूर प्रोग्राम इस तरीके का। मैं उनसे जरूर मुलाकात करूंगा, उनसे पहले चर्चा करने के बाद फिर इनके जो प्रयास है इसके अंदर अगर कोई चीज इनकी तरफ से आगे लाई जाती है, जो लगता है कि संगठन के तौर पर इतने साथी जितने हमारे साथ गठबंधन भी है सबके प्रति
कुछ ना कुछ सुरक्षित रहेगी, उनकी सोच को हम जरूर सम्मानित करेंगे। वहीं बीजेपी जजपा इनेलो के वापस साथ आने को महज कयासी बता रही है। बीजेपी नेता बार बार कह रहे हैं कि दोनों दल अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। और ये चौटाला परिवार का अंदरूनी मामला है, वो इकट्ठा होगा कि नहीं होगा, लेकिन लगता ऐसा है कि जितना आगे वो लोग बढ़ चुके हैं, जितना खटास उन परिवारों के अंदर आ चुका है, उनका मिलन मुझे नहीं लगता संभव होगा नहीं होगा। राजनीतिक मिलन तो संभव लगता नहीं है, हाँ, लेकिन कोई परिवार अगर इकट्ठा होता है तो बड़ी अच्छी बात है। हरियाणा प्रदेश में आज के दिन किसी भी तरह का गठबंधन महागठबंधन हो जाए, उसका कहीं कोई अस्तित्व बचने वाला नहीं है, क्योंकि हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार का एक आशीर्वाद, जन आशीर्वाद इस यात्रा को मिला है, मुख्यमंत्री जी को मिला है, उसके चलते हमने जो 75 पार का नारा दिया है, उससे कहीं वो आगे जा करके वो नारा हरियाणा की जनता खुद ब खुद पूरा करने वाली है। 18 अगस्त से जो ही इस यात्रा की शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को अपार जनता का आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ, उसके बाद से तो विरोधी दलों के विरोधी नेताओं के एक किस्म से होश भागता हो गए हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के रिकॉर्ड ये यात्रा कायम कर रही है, जितने कार्यक्रम स्वागत के आशीर्वाद के इस यात्रा के दौरान हो रहे हैं, उसके चलते जो हमने नारा दिया था 75 पार का, उसको कहीं आगे बढ़ करके हम लोग हासिल करने वाले हैं। ये लोकसभा के चुनाव में पहली बार हमने इसको हरियाणा प्रदेश में पन्ना प्रमुख की व्यवस्था को आजमाया था, अपनाया था, उसमें बहुत कारगर सिद्ध हुई। और ये जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें तो और ज्यादा अहम रोल हमारे इस पन्ना प्रमुख का होने वाला है। खैर, जो भी हो, लेकिन राजनीतिक माहौल इन दिनों बेहद गर्म है। सियासत अपने चरम पर है और नेता बस एक टक आने वाले फैसले पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। लेकिन क्या असल में गठबंधन होगा, और अगर होगा तो कैसे? गठबंधन में चेहरा कौन होगा? और बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या बीजेपी के 75 पार का नारा महागठबंधन के बाद पूरा हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।